एक दौर था जब हर कोई मेरी इज्जत करता था, अब कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। मुझे लगता है कि मुझे वह दौर वापस लाना होगा, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं ला सकता। अरे नहीं, मैं ला सकता हूँ वो दौर। अगर मैं नाजी जर्मनी को वापस से पुनर्जीवित कर दो तो फिर से मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूँगा और सब देश मेरी इज्जत करेंगे। तो फिर देर किस बात की, यह रहा नाजी जर्मनी। अरे नहीं जर्मनी, तुमने ये क्या कर दिया? फ्रांस, अब से मैं जर्मनी नहीं बल्कि नाजी जर्मनी हूँ। अगर जर्मनी ने तुम्हें पुनर्जीवित कर ही दिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से फिर खत्म कर दूंगा। ये लो। पिछली बार मैंने बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन इस बार मेरे हाथों से वो गलतियाँ नहीं होगी और अब तुम नहीं बचोगे। ये लो। अब तुम मेरी ताकत देखोगे। ये लो। अरे नहीं, मेरे हमले का तो कुछ असर ही नहीं हुआ तुम पर। जब तक हम हैं तब तक तुम नहीं राज कर सकते। अरे मेरे पुराने दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यूके, ये बहुत ताकतवर है हमसे। हाँ, फ्रांस वह दिख रहा है, हमें अब मिलकर हमला करना होगा इस पर। ठीक है यूके, और ये लो नाजी जर्मनी। अरे नहीं फ्रांस, ये अभी भी हमसे बहुत ताकतवर है। इससे पहले ये हमें खत्म करें, यूके हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है फ्रांस। नाजी जर्मनी, अब तुम्हारा खेल खत्म करने का समय आ गया है। यह लो। अरे नहीं, अभी भी हम कमजोर हैं और तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम दोनों मच्छर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा अब तुम दोनों को खत्म करने का समय आ गया है। अरे यूके, तुम मुझसे अलग क्यों हुए? मुझे माफ करना फ्रांस, लेकिन हम दोनों इसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे यूके रुको, मेरी मदद करो। मुझे माफ करना फ्रांस, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। यह लो यूके, तुम जहाँ भी भाग जाओ मैं वहाँ आकर भी तुम्हें मारूंगा। तुम इतने डरे हुए क्यों हो यूके? अरे अमेरिका मेरी मदद करो, जर्मनी ने नाजी जर्मनी को पुनर्जीवित कर दिया है, अब वह मुझे खत्म करना चाहता है। तुम डरो नहीं यूके, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना चाहिए मुझसे क्योंकि मैं नाजी जर्मनी हूँ। नाजी जर्मनी तुम जहाँ से आए हो, अब तुम्हें वही भेजने का समय आ गया है। ये लो। अरे ये नहीं हो सकता, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए हो? अरे अमेरिका, हमें एक हो जाना चाहिए, तभी ही हम इसे हरा सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो यूके। तुम दोनों मिल भी जाओ तब भी तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बेकार सकते। अब तुम कभी भी नक्शे पर नजर नहीं आओगे। ये लो नाजी जर्मनी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे पुराने दोस्तों। यह लो। अरे नहीं, पिछली बार सर्दियों की वजह से सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को हरा दिया था, लेकिन अब तो सर्दियां भी चली गई हैं और सोवियत यूनियन भी नहीं है। अब नाजी जर्मनी को रोकना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मुझे उसे रोकने के लिए अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। मुझे लगता है अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। अब साउथ अमेरिका की बारी है। मैंने साउथ अमेरिका पर भी कब्जा कर लिया है। अब अफ्रीका की बारी, यहाँ भी कब्जा हो गया है। अब एशिया की बारी। अरे पाकिस्तान, भारत और चीन, मेरी मदद करो, नाजी जर्मनी मुझे खत्म करने के लिए आ रहा है। लेकिन नाजी जर्मनी तो खत्म हो गया था, फिर वह कैसे वापस आ सकता है? पाकिस्तान, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जर्मनी ने नाजी जर्मनी को पुनर्जीवित किया है। उसने पहले ही यूरोप और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका पर कब्जा कर लिया है। अब वह एशियाई देशों को खत्म करने आ रहा है। इसका मतलब अगर हम उसे लड़ेंगे तो हम जरूर हारेंगे। हाँ भारत, लेकिन हमें अब कुछ तो करना होगा। अगर हमने कुछ न किया तो वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन अगर जर्मनी ने नाजी जर्मनी को पुनर्जीवित किया है तो हमें भी चाहिए कि अपनी अंपायर्स को पुनर्जीवित करें। चीन, तुम ठीक कह रहे हो, इससे हम नाजी जर्मनी को रोक सकते हैं। तुम चाहे अपने अंपायर्स को पुनर्जीवित कर भी दो तब भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह तुम्हारी भूल है नाजी जर्मनी, अब तुम्हारा खेल खत्म करने का समय आ गया है। यह लो। सोवियत यूनियन, अब मेरी ताकत देखो। यह लो। अरे किंग और सोवियत यूनियन, हमें मिलकर इस पर हमला करना होगा। ठीक है भारत और पाकिस्तान। ठीक है भारत और पाकिस्तान, तुम तीनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। तुमने बहुत खेल खेल लिया, अब तुम हम तीनों की असली ताकत देखोगे। ये लो। क्या कहते हो दोस्तों, सब कुछ पहले जैसा कर दे? हाँ मेरे दोस्त। हाँ, हमें यही करना चाहिए। अब ठीक है सब कुछ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि अगली लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।